भाई साहब, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इनको बोलते हैं हम मठरी, और कहीं पे बोलते हैं चौरासी, और कहीं पे बोलते हैं भाई पोले घुंगरू या बजने वाले घुंगरू। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चैन मशीनों से हटके एक ऐसी चीज लेके आया हूं। ऐसी चीज है कि काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी भाई कि ये घुंगरू कैसे बनाए जाते हैं। घुंगरू मठरी या चौरासी या पोले घुंगरू, बजने वाले घुंगरू, बहुत सारे नाम है। तो ये कैसे बनते हैं, पूरी मेकिंग, फुल मेकिंग, और हमारा एक जो होता है ना वीडियो बनाने का तरीका, समझाने का सबसे अलग होता है। हम वीडियो ऐसे बनाते हैं कि आप एक बार मेरा वीडियो देख लोगे ना घुंगरू बनाने का, कसम से भाई गारंटी है इस चीज की, आप अपने आप से अगले दिन से बनाने स्टार्ट शुरू कर दोगे, खुद से बनाओगे। तो भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। अभी तक वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारी चाहिए, टेक्निकल जानकारी मशीनों की, चैन मशीनों की, या घुंगरू की, या कुछ भी ज्वेलरी से रिलेटेड, तो आप फटाफट हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लेटिंग कैसे करते हैं, चांदी चमक कैसे आती है, वो वगैरह जो भी जानकारी चाहिए, ज्वाइन कर लीजिए मात्र 199 में, और आप पूरा फायदा उठाइए। तो चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं के जो मटरी होती है, जो घुंगरू होते हैं, वो बनते कैसे हैं। तो मैं आ चुका हूं सर जी के पास। आइए सर जी, मैं आ चुका हूं सर जी के पास, धुबरी आसाम। और मुकद्दस भाई सर जी हैं, मुकद्दस भाई बाबू है भाई साहब। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और कहाँ गए वो तीसरे बंदे? और भाई जो मैन आदमी हमारा, वो पता नहीं कहाँ भग गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चांदी गलाते हैं। चांदी गलाने के बाद क्या करते हैं, बना लेते हैं ऐसी रॉड। तो ये तो आम चीज है, और रॉड को हम बेलेंगे अब तार पत्थर की मशीन में। तो चलिए रॉड ले चलते हैं और इसको बेल के दिखाते हैं, और फिर देखिए आगे क्या क्या होगा। तो भाई साहब, फ्लैटर में डाल के इसकी बना देंगे पत्ती, ठीक है, क्योंकि पत्ती में से ही कटेंगे वो पीस। जो पत्ती है ना, उसकी जो मोटाई है, थिकनेस, वो रखी जाएगी घुंगरू का वजन कितना रखना है उसके ऊपर डिपेंड करेगी थिकनेस। अगर आपको ज्यादा वजन रखना है तो मोटी पत्ती बनाई जाएगी, वजन कम रखना है तो ये भाई साहब पत्ती निकाल ली है। अब जितनी मोटाई का घुंगरू बनाना है, ज्यादा भारी बनाना है तो थोड़ी मोटी, हल्का बनाना है तो पतली, उस हिसाब से ये पत्ती। भाई साहब, ये है घुंगरू की टोपी काटने की डाई, ठीक है, इसमें लगा रखी है। ये पंच, इसको पंच बोलते हैं, और छोटा वाला पंच है ये, इसमें ये लगा रखी है डाई। अब ये जो पत्ती है, इसमें से कटेंगे घुंगरू, मठरी की टोपी कटेंगे भाई। अब देखो कैसे, ये भाई खींच के थोड़ा सा ऐसे टाइट करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है एकदम। इसमें जो सिलवट होती है वो निकल जाती है। अब देखो, अब इसके कटेंगे पीस। हाँ, ये कटिंग है, इसमें पीस काटते हैं। और ये मास्टर तो हैं, एक सिंगर भी है, इनका भी एक छोटा सा वीडियो हमने आगरा ब्लॉगर पे अपलोड किया है, आप जरूर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाया। बस 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 बस। तो भाई साहब, पत्ती में से कट चुके हैं ये पीस, थोड़ा पीस कहाँ निकल रहा है भाई, ये कट गया भाई पीस, ये देखिए ये पीस कट गया, ये ऐसा है। तो इन दो पीस को कैसे जोड़ते हैं, चलिए वो प्रोसेस दिखाता हूँ। भाई साहब, बड़ा खतरनाक जुगाड़ है भाई। 10 रुपए की, 50 रुपए का होगा, सॉरी, ये 50 रुपए का एलिस्टर पेपर में, और ये जो घुंगरू है इसके साइज के बना लिए बहुत सारे गड्ढे, और गड्ढों के अंदर यहाँ ये टोपी रख रहे, रखते जा रहे हैं और इसको सोल्डिंग कर रहे हैं। अब रखने का तरीका क्या, ये देखिए भाई साहब, टूटे फूटे एलिस्टर में से जुगाड़ बना लिया भाई साहब, मतलब लाखों रुपए का काम और फ्री में कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें एक तरीका होता है इसको जमाने का, वो तरीका क्या है अभी हम बताएंगे। बाबूजी, क्या नाम आपका, इधर दिखाओ सकल थोड़ी सी। ये भाई हमारे मेन उस्ताद हैं, ये बनाते हैं मटरी। क्या नाम है तुम्हारा? शायद अली। शायद अली, तो भाई साहब शायद अली बताएंगे ये मठरी जमाने का, इसमें तरीका क्या, थोड़ा सा बताइए यार, जमा के मठरी जमा रहे, जो ये मठरी इधर जमाया है इसमें कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा दिखाइए हमको, समझाना भी आपको, ठीक है। ये भाई ने लिए कि यहाँ से मठरी उठाओ, ठीक है, एक दूसरा पीस लिया, और देखिए ये किस तरह से इन्होंने ये बना दी ऐसे, और इसको लगा दिया ऐसे। अब इसमें क्या है ना, एक खासियत है, इसका जो मुंह रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा, यानी आपको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना, ओरिएंटल नहीं रखना, वर्टिकल लगाना है ना। ये देखिए, अब इसके बाद ये छल्ली काट रखी है तार की गोल गोल, और छल्ली का मुंह और इसका जो जॉइंट है इसके मुंह पे लगा देना ऐसे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये लगा दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे रख देना ये टांका,
ये टांका काट रखा है। हाइड्रोमैक्स है तो आप तार लगा सकते हैं, और हाइड्रोमैक्स नहीं है तो ऐसे करके ये टांका लगा सकते हैं। अब क्या होगा भाई, अब होगा असली खेला। देखो छोटी सी गन है, क्या छोटी सी गन है, छोटी सी गन है, और देखिए अभी दो मिनट में मटरी तैयार होगा। रिकॉर्डिंग विल बी स्टॉप्ड। अरे यार ये कौन, एक पीस निकाल के दिखा दो, एक निकाल के दिखा दो, थोड़ा पानी में ठंडा करो। ये देखो भाई साहब, ये हो गई मठरी तैयार, ये हो गई आपकी मठरी तैयार। अरे यार मुझे शर्म आ रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे, बहुत ही कम पैसे में। एक आपको तो एक ये पंच लेना है, एक ये डाई लेनी है, एक पंच चाहिए, एक डाई चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, और ये जुगाड़ कर लेनी है टूटे फूटे एलिस्टर पेपर में से गड्ढे बना के, और मटेरियल आप घर पे फ्री में कर सकते हैं तैयार, शायद अली की तरह है ना। तो भाई बताइए आपको, देखिए फ्री का ज्ञान कैसा लगा, बताइए वीडियो एकदम मजेदार बनाए या नहीं बनाए। ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, घंटी वाला बटन दबाइए, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू। हाँ एक इन्फॉर्मेशन है, तो हाँ ये हमारे सर जी है, इन्होंने बहुत मतलब सहयोग किया वीडियो बनवाने में, तो इनका एक और चैनल है, थोड़ा बताइए अपने चैनल के बारे में। एके चैन सेंटर। एके चैन सेंटर, वहाँ पे क्या क्या नॉलेज मिलेगी? सारे ज्वेलरी का सारे। आप बोल रहे हो लोग आपके चैनल को देखें, क्यों देखें, कुछ क्या खास है ऐसा? हमारा चैनल पे सारे नॉलेज मिलेगा ज्वेलरी का। अच्छा ऑल द ज्वेलरी, और जब सभी तरह का जो ज्वेलरी होता है ना, देखिए ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो इन्हीं के सहयोग से बनाया है मैंने, सारा मशीन। तो ये चैन की मशीनें भी इनकी हैं, इनसे रिलेटेड चैन कैसे बनाते हैं, ठीक है, मशीनों में कोई दिक्कत आती है वो कैसे ठीक करोगे, वो सब भी ये बताते हैं, और मटेरियल बनाने की और भी बहुत सारे तरीके के जो वीडियोस होते हैं जो ज्वेलरी से रिलेटेड, वो सारे इनके चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। क्या चीज? ये भी, हाँ ये वाला भी। तो एक बार इनके चैनल को, भाई जी के चैनल को भी जरूर से फॉलो करिए, एके चैन सेंटर। इनके चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।